नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको गार्गी पुरस्कार 2021 की द्वितीय किस्त के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने में आ रही समस्या आधार वेरिफिकेशन की समस्या के बारे में बताने वाला हूं और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि इस समस्या का समाधान अपन कैसे कर सकते हैं। अगर आपको भी जानना है तो वीडियो के साथ वो आप बने रहे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि गार्गी पुरस्कार 2021 के द्वितीय किस्त के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है वो शुरू हो गए, जिसकी जानकारी मैंने आपको पिछली वीडियो में दे दी थी। लेकिन जब भी बालिकाएं द्वितीय किस्त के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर रहे हैं, जो बालिकाएं वर्तमान के अंदर 12वीं कक्षा में अध्ययनरत है और वो द्वितीय किस्त के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे, तो उनके सामने एक बड़ी समस्या वो आ रही है और समस्या आ रही है आधार वेरिफिकेशन की या फिर आधार ऑथोराइजेशन की। देखिए दोस्तों, मैंने आपको यह भी बताया था कि जब भी आप गार्गी पुरस्कार का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरोगे तो उस समय आपको अपने फॉर्म को आधार से वेरीफाई करना पड़ेगा, यानी आपके आधार कार्ड में आपका डाटा, यानी बालिका के नाम की स्पेलिंग, उसके पिता के नाम की स्पेलिंग, उसकी जन्म तिथि सेम की सेम वही होनी चाहिए जो कि उसकी 10th की मार्कशीट में। यदि डाटा मिसमैच रहता है, यानी आधार कार्ड का डाटा और 10th की मार्कशीट का डाटा मिसमैच रहता है, तो आप गार्गी पुरस्कार का ऑनलाइन फॉर्म वो नहीं भर पाओगे। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी बालिकाओं के सामने एक समस्या आ रही है कि उनका जो डाटा वो आधार कार्ड में भी सही है जो कि उसकी 10th की मार्कशीट में सेम का सेम वही है, लेकिन फिर भी आधार वेरीफाई नहीं हो रहा, आधार ऑथराइजेशन नहीं हो रहा। जब भी वो अपना आधार नंबर डालती है वेरिफिकेशन के लिए तो वहां पे एक एरर मैसेज आ जाता है, आधार ऑथराइज्ड नॉट मैच बोल रहा है, इस प्रकार का एक एरर मैसेज है वो आ रहा है। तो यहाँ पे उन बालिकाओं को कहना चाहूंगा, यहाँ पे आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। समस्या इसलिए है क्योंकि विभाग के द्वारा द्वितीय किस्त के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म वो कल से ही शुरू किए हैं, तो शुरुआत में ऐसी समस्या है सर्वर की वजह से साइट पे आ जाती है। यदि आपके आधार कार्ड के अंदर आपका डाटा सेम है जो कि 10th क्लास की मार्कशीट में है, तो आप एक दो दिन का वेट है वो कीजिएगा, जैसे ही सर्वर सही हो जाएगा तो आप अपना आवेदन वो भर सकते हैं। देखिए वैसे तो मैंने इस समस्या के लिए मैंने विभाग को बोल दिया और जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान विभाग के द्वारा वो कर दिया जाएगा, तो यहां आपको टेंशन नहीं लेनी है, आप एक दो दिन का वेट कीजिएगा, शायद कल तक है इस समस्या का समाधान है आपको यहां पे मिल जाएगा। अगर आपका डाटा सही है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन उन बालिकाओं को क्या कहना चाहूंगा जिनका आधार के अंदर डाटा सही नहीं है, तो पहले वो अपना आधार कार्ड वो अपडेट करवा लीजिएगा, उसके बाद ही आप अपना जो गार्गी पुरस्कार का है फॉर्म वो ऑनलाइन भरेगा, वरना आपका फॉर्म वो नहीं भरा जाएगा। बस जानकारी आपको मैं यही देना चाहता था। कमेंट करके मुझे बताना कि किन किन बालिकाओं के सामने जब भी वो अपना जो गार्गी पुरस्कार का ऑनलाइन फॉर्म भर रहे थे और जिनका आधार कार्ड के अंदर डाटा बिल्कुल सही था फिर भी वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा था, तो कमेंट करके मुझे बताएं। इसके अलावा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय यदि आपको और कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश है वो करूंगा। बस दोस्तों जानकारी मैं आपको यही देना चाहता था, तो बताना आज की वीडियो और जानकारी आपको कैसी लगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सोशल मीडिया पे शेयर करना, ताकि बालिकाएं हैं वो परेशान है, हमारे जो साथी हैं वो फॉर्म भरने में उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि एक टेक्निकल इश्यू है, इसका समाधान है वो जल्दी से हो जाएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन है उसे भी आप दबा लेना और ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी आप ऑन कर लेना, ताकि जब भी कोई मैं लेटेस्ट वीडियो अपने चैनल पे डालूं तो उसका एक नोटिफिकेशन है आपको मिल जाए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।